दोस्तों गीदड़ सिंगी क्या होती है, क्या किसी ने देखी है गीदड़ सिंगी? अगर किसी ने नहीं देखी तो जो असली और ओरिजिनल गीदड़ सिंगी है वो आप यहाँ इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। लोग इसके लिए 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, कोई 50,000 अगर आप किसी से मांगो तो वो भी दे देगा। ये सारी जो इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी ओरिजिनल की वैल्यू होती है, जो असली गीदड़ सिंगी होती है सारी वैल्यू उसकी होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो गीदड़ सिंगी है आती कहाँ से है। कुछ लोगों का मानना है, जो इसको गीदड़ सिंगी बेचने वाले होते हैं वो कहते हैं कि जो गीदड़ सिंगी है ये हिमालय की चोटियों में वहाँ पर एक पहाड़ी सियार होता है, उस पहाड़ी सियार के सर के ऊपर एक सींग उगता है, किसी किसी पहाड़ी सियार के सर के ऊपर एक सींग उगता है, उसको काट कर ये गीदड़ सिंगी बनती है। जो पहाड़ी सियार होता है उसके सिर के ऊपर जो सींग होता है उस सींग के ऊपर बाल उगते हैं। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर आप देखोगे कि एक छोटी सी पत्थर जैसी चीज़ है, मान लो क्या एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, उसके ऊपर बहुत सारे बाल उगे हुए हैं। इसको पकड़कर हाथ में जब पकड़ा तो इसकी फीलिंग कैसे आती वो बता रहा हूँ कि हाथ आपने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पकड़ा, उसके ऊपर बाल उगे हुए, जो उसकी फीलिंग है, जहाँ एक हड्डी के ऊपर बहुत सारे बाल उगे हुए, इस प्रकार की ये फीलिंग है। बहुत ही छोटी सी जो चीज़ होती है इसके अंदर है, इन बालों के अंदर बस इसके ऊपर जो बाल उगे होते हैं इसी को कहते हैं ये गीदड़ सिंगी। अब कुछ कहते हैं कि हिमालय की चोटियों के ऊपर जो है पहाड़ी गीदड़ होता है, उसके सर के ऊपर सींग होता है, उसको काट के गीदड़ सिंगी बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि गीदड़ के सींग होते हैं, पहाड़ी गीदड़ के सींग होते हैं, तो उनके सींगों के ऊपर से ये मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इसकी जो शक्ल है ना वो बड़ी ही भद्दी है और डरावनी होती है। बच्चे को दिखाओगे वो देख के डर जाएगा कि यार क्या चीज़ दिखा रहे हो। बहुत सारे तांत्रिक जादूगर टोना टोटका करने वाले लोगों के पास ये चीज़ें होती हैं। कहते हैं कि इसको बंद डब्बे के अंदर रख दो सिंदूर डाल के, तो ये बच्चे देती है। अब ये बच्चे कैसे देती है आप ये भी जान लो। इस डब्बी के अंदर बंद करके ये दो गीदड़ सिंगियाँ रखी थी मैंने, तो दोनों ने दो बच्चे दे दिए, नर और मादा। गीदड़ सिंगी में भी नर और मादा की शक्ल जो हो अलग अलग होती है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाली जो गीदड़ सिंगी है ये मादा गीदड़ सिंगी है, और ये वाली जो है उल्लू की शक्ल वाली ये नर थी। इन दोनों ने मिल के, ये दोनों सिंदूर खाती हैं, सिंदूर खा कर इन्होंने बच्चे दे दिए अपने इस डिब्बी के अंदर, और इस डिब्बी के अंदर लौंग डाली हुई है, इलायची डाली हुई है, एक और छोटा सा मणका है वो डाला हुआ है। इस प्रकार की जो घर में चाय में डालने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी इस डिब्बी के अंदर डाल रखी हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जो गीदड़ सिंगी है इसको रखने से बहुत फ़ायदा होता है। अब इसका भाई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, मैं नहीं मानता उन चीज़ों को, ये सारा अंधविश्वास है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि अकाल पुरख से बड़ा कुछ नहीं, अकाल पुरख के भक्ति करो वही आपको सारा कुछ देगा। ये गीदड़ सिंगियाँ सियार सिंगियाँ कुछ नहीं देंगी। बस ये वीडियो उन लोगों को दिखाने के लिए बनाया है जो लोगों ने कभी भी ओरिजिनल असली गीदड़ सिंगी नहीं देखी है। अगर आप हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, हरिद्वार के बस स्टैंड से आप हर की पौड़ी की तरफ जाओगे तो रास्ते के ऊपर बहुत सारे लड़के बैठे होंगे, बहुत सारी औरतें वहाँ पर बैठी बेच रही होंगी 20-20 रुपए की गीदड़ सिंगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर 20 रुपए की गीदड़ सिंगी मिलती है और इस गीदड़ सिंगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप खुद ही सोच लो कि पहाड़ों के अंदर जाकर वहाँ पर एक गीदड़ को ढूंढना और फिर उसके पीछे लगना, फिर उसकी हत्या करनी, फिर उसके सर से उस सींग को काटना जिस सींग के ऊपर ये उगती है, तो वहाँ से वो 20 रुपए में किस प्रकार से आपको मिल सकती है आप इसका अंदाज़ा लगा लो। अब उसके बाद एक नर गीदड़ सिंगी होती है, एक मादा गीदड़ सिंगी होती है, अब उसका अंदाज़ा आप लगा लो कि वो आपको कैसे मिलेगी। ये दोस्तों वही गीदड़ सिंगी है। अब आप इसकी ध्यान से शक्ल देखो, इसके चारों तरफ बाल ही बाल है और कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ चारों तरफ बाल ही बाल है, बीच में एक रबड़ जैसी या पत्थर जैसी छोटी सी कोई गोली है उसके ऊपर ये सारे बाल उगे हुए हैं। अब इसको कहते हैं गीदड़ सिंगी, हिंदी के अंदर इसको सियार सिंगी कहा जाता है। जिसने नहीं देखी थी देख लो, यही वो असली गीदड़ सिंगी होती है। कहते हैं इससे बिगड़े काम बन जाते हैं, जादू टोना टोटका में इसको काम में लिया जाता है। इस वीडियो में आपको इस चीज़ का मैंने दिखा दिया, और इसके असली और नकली की पहचान करना बहुत आसान है। जब आप नकली गीदड़ सिंगी पकड़ोगे तो उसके आप ये बाल खींचोगे तो उसके बाल निकलकर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नकली के ऊपर उन्होंने गोंद लगाकर इसको चिपकाया होता है। गोंद से कुछ पत्थर के टुकड़े लेते हैं, उसके ऊपर वो चिपका देते हैं।
या जानवरों की हड्डी लेके उसके ऊपर इस प्रकार के बाल चिपका देते हैं। जो नकली लोग हैं उसके बाल भी आपको बिल्कुल एक ही कलर के ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये जो देखने को मिल रही है ये असली गीदड़ सिंगी है। इसकी आपने शक्ल भी देखी, ध्यान से देखो, जो मादा गीदड़ सिंगी है उसकी शक्ल एक उल्लू की शक्ल जैसी, जैसे उल्लू का मुंह होता है दूर से देखने पे लगता है ऐसी, और जो मादा गीदड़ सिंगी होती है उसके पीछे इस प्रकार से एक पूंछ देखने को आपको मिलेगी। तो आपने दोनों चीज़ें ध्यान से देख ली, आखिर इसमें कितना फ़र्क है। अब इन दोनों को सिंदूर वाली डब्बी के अंदर डालकर रखा जाता है, बंद करके आप रख दो, 5-4 साल बाद खोलकर इसको देखना कि 5-6 साल बाद इसने उसके अंदर अंडे दिए या नहीं दिए। आप ध्यान से देखो इसको कि ये जो इसकी शक्ल है भी आपको दिखाई दे रही है, ये शक्ल इसकी उल्लू जैसी है और दूसरी की जो शक्ल है वो शेप उसकी बनी हुई है एक चिड़िया जैसी। तो यही इसका फ़र्क है नर और मादा का। इन दोनों ने मिलकर दो बच्चे दे दिए इस डब्बे के अंदर, ये सच है। ये इन दोनों को केसर, ये जो सिंदूर है सिंदूर के अंदर रखा जाता है, और वो कहते हैं कि ये जो सिंदूर आप लाकर इस डब्बी के अंदर डालोगे ये भी जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है वो वाला सिंदूर डालना है, नॉर्मल सिंदूर आपने किसी ने नहीं डालना। तो दोस्तों अगर आप इस षड्यंत्र में फंसने जा रहे हो कि जो गीदड़ सिंह की है उसको खरीदना है बेचना है, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। गीदड़ सिंगी की जो कीमत है 10-10 लाख रुपए तक चले जाती है। जो लोग इसकी वैल्यू जानते हैं वो इसकी कीमत 10 लाख तक डाल बताते हैं, और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में वो आपको 20-25 रुपये में ये बेच देते हैं। कुछ लोग नकली गीदड़ सिंगी बनाकर बेचते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता। हमने काफ़ी साल पहले, 2-3 साल पहले एक वीडियो डाला था, तो उस वीडियो को देख के काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया और कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें ये गीदड़ सिंगी दे दो, हमें गीदड़ सिंगी खरीदनी है। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए कि भाई हम गीदड़ सिंगी नहीं बेचते हैं, ना ही मैं इस चीज़ के ऊपर यकीन करता हूँ। हमारे घर के अंदर पड़ी हुई थी, तो काफ़ी समय से, पुराने समय से पड़ी हुई थी, दादा परदादा के समय से रखी हुई है, तो उन्होंने रखी हुई थी। मैंने आपको दिखा दी खोल के कि जो गीदड़ सिंगी होती है असली वो किस प्रकार की होती है। ये असली गीदड़ सिंगी आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। धार्मिक चीज़ें हम बताते हैं आपको, धर्म के साथ जुड़ने वाली, कहाँ पर सही हो रहा है कहाँ पर गलत होता है, हम इस प्रकार के वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालते हैं। ये गीदड़ सिंगियों के जादू टोने के इन चीज़ों से मैं आपको कहूँगा कि जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। जादू टोना, ये जादू वशीकरण, मुठ करनी, खोया प्यार वापस दिलवाना, इन लोगों के चक्कर में कभी मत फंसना। मैं आपको सीधा स्पष्ट जवाब देता हूँ, लोगों के चक्कर में कभी मत फंसना, और कभी भी किसी ऐसे बंदे के ऊपर यकीन मत करना जो कहता है कि तुम्हारे बिगड़े कामों को वो बना देगा। तुम लोगों के जो बिगड़े काम है वो सिर्फ गुरुद्वारे जाकर या मंदिर जाकर, जिस धर्म को, देवी देवता को, गुरु पीर पैगंबर को आप मानते हैं वहीं से होंगे, और कोई भी आपके बिगड़े कामों को सही नहीं कर सकता है। ना ही कोई कहेगा कि उसके अंदर देवी आती है, ना कोई कहेगा कि मेरे अंदर देवता आता है, मेरे अंदर इस बाबा की चौकी आती है। ये सब लोग ढोंग करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। सभी ने अपना अपना धंधा बनाया हुआ है कि कोई कहता है मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर वो शक्ति है। अब मैं भी कह देता हूँ कि मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं डब्बी के अंदर डाल के इस प्रकार से गीदड़ सिंगियों से बच्चे पैदा करवा सकता हूँ। अगर किसी ने बिगड़े काम बनवाने हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, 10,000 रुपये फीस लूँगा, मैं उसके बिगड़े काम बना दूँगा। झूठ बेचने को मैं इस प्रकार से बेच सकता हूँ। इन चीज़ों के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, ये सिर्फ एक मिथ है, मिथ बना हुआ जिसका कोई भी इतिहास नहीं है। तो चलो मिलेंगे एक नए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।